Hello friends, welcome again to the world of Maths by Amir. So there is a question in front of you. I would say please read the question, pause the video and try to solve this question. I hope you have read. Aapne padha hoga, pause kiya hoga, solve kiya hoga. This one is one of the best and the classical question of Thales theorem in 3D figure. Question is what? There is a cone of base radius 14 cm and height 48 cm is cut by two parallel lines or the plane parallel to the base and आपको middle portion का curved surface area and the total surface area निकालना है. तो let's draw a cross section of the cone. मान लो ये आपका cone है, जिसमें आपका radius कितना है? 14 है. Height आपकी कितनी दी हुई है? 48 दी हुई है. तो अगर आपका radius 14 है, height अगर आपकी 48 है, तो by the Pythagoras हम इसे देख सकते हैं, ये 2 into 7 है, ये 2 into 24 है, तो obviously ये 2 into 25 होगा, 7, 24 and 25, तो ये मेरा 50 जाएगा ही जाएगा. तो मुझे lateral मिल गया, मेरा 50 है, मुझे height मिल गया, मेरे पास radius दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ volume of the cone. Volume of the cone होता है 1 by 3 pi r square, जो कि इस case में हमारे पास क्या है, 14 है, into h. ये मेरे पास क्या है, 48. ये मेरा वॉल्यूम ऑफ द कोन है. देन हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दैट इज पाई आर एल. पाई आर इज द 14, एल इज नथिंग बट 50. तो हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. बट हमें निकालना क्या था कि बीच में कुछ पोर्शन कट हो रहा है, तो थेल्स थ्योरम से निकालते हैं. हमने दो पैरेलल लाइन से कट किया, टोटल हाइट आपकी कितनी है, 48 सेंटीमीटर है. आपने पहला कट किया है बेस पे 24 पे, तो मतलब ये हाइट भी आपकी 24 होगी, बिकॉज़ बेस है, वो दिख नहीं रहा है फिगर, बट वो बेस है. यहां से 24 है, तो टॉप से भी आपकी 24 होगी. एंड दूसरा आपने ऊपर से किया है 8, तो अगर ये 24 है तो ये पोर्शन आपका 16 होगा. ठीक है, तो अब हमें इसको थेल्स थ्योरम में देखना स्टार्ट करें, तो ये मेरा 8 है, ये मेरा 24 है और टोटल मेरा 48 है. तो अगर मैं 8 से रेशियो निकालना स्टार्ट करूं, तो रेशियो मेरा 1:3:6 है. मतलब अगर हाइट रेशियो आपकी 1:3 and 6 है, तो बेस रेशियो भी आपका क्या जाएगा, दिस वन इज 1, दिस वन इज 3, दिस वन इज 6, बिकॉज सिमिलर फिगर दिखेगा, पैरेलल लाइंस. मतलब यहां से यहां अगर आपका 1 है तो बेस भी 1 होगा. इस बड़े ट्रायंगल का मतलब मिडिल वाले ट्रायंगल का हाइट अगर आपका 3 का रेशियो में, तो ये भी 3 के रेशियो में होगा. अगर ये 6 के रेशियो में, तो ये भी 6 के रेशियो में होगा. और हमें निकालना क्या है, इस मिडिल पोर्शन का वॉल्यूम ऑफ का सरफेस एरिया. अब वॉल्यूम निकालने के पहले हम लोग निकालते हैं, अगर मेरा टोटल बेस 6 है तो वॉल्यूम होता कितना है. अगर मैं वॉल्यूम के लिए थेल्स थ्योरम लिखूं, तो ये 6 और 0 के बीच में है, तो वॉल्यूम का थेल्स थ्योरम जाएगा 6³ - 0³, मतलब 216. और यहां का अगर मैं थेल्स थ्योरम लिखूं, तो ये जाएगा 3³ - 1³. तो मुझे निकालना है 26 out of 216. तो इसमें अगर आप 26 out of 216 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका निकल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया का. मैं अगेन रिपीट करता हूं, अगर 216 है, आप इस तरह देखना, अगर आपका 216 है तो वॉल्यूम ऑफ सी है, अगर 1 है तो वॉल्यूम ऑफ सी मतलब कोन अपॉन 216 होगा, अगर 26 है तो इसमें 26 मल्टीप्लाई होगा. और मैंने क्यूब करके क्यों माइनस किया, ये थेल्स थ्योरम है कि ये सिमिलैरिटी लगा है. सिमिलैरिटी में हम लोग क्यूब करते हैं, कोन का वॉल्यूम निकालना है. सिमिलरली यहां पे हम लोग को एरिया निकालना है, तो हम लोग एरिया करके माइनस करेंगे. तो अगर आप एरिया निकालना स्टार्ट कर दो कर्व सरफेस एरिया 0 और 6 का, तो टोटल जाएगा 6² - 0², बिकॉज ये कर्व सर्फेस एरिया है, तो ये हो जाएगी 36. रिक्वायर्ड का अगर आप निकालना चाहो, तो ये 3² - 1² है, मीन्स 8. तो ये जो जाएगा, ये होगा 8 out of 36. सो आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, जो कर्व सरफेस एरिया होगा, पाई के टर्म में यही होगा. हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन में 8/36, थेल्स थ्योरम, बिटवीन 3 and 1, 3² - 1² 8 out of 36. एंड द वॉल्यूम के कर्व में आपको करना है 6³ - 0³, मीन्स 216, एंड यहां 3 and 1 के क्यूब में. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, ये कैलकुलेटिव है, बट यहां तक कैलकुलेशन नहीं है, ये कैलकुलेटिव है, यहां तक कैलकुलेशन नहीं है. हो सकता है आपके एग्जाम में 22/7 करके सॉल्व करने को पूछा जाएगा, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, और ये शायद अभी तक जो 2-3 दिन में पोस्ट हुआ है, उसमें ये सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट है, अप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम इन 3D फिगर.
तो आप प्लीज देखिएगा, पॉज कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा एंड अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए. सो दिस वन इज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे. आप इसे पॉज कीजिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, सॉल्व कीजिए. तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो फील फ्री टू पिंग मी और कमेंट ऑन दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.